हेलो बालको, आज हम बात करेंगे क्लास 11th के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें लग रहे हैं उस हिसाब से मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम आपका सर पे है और आपको बहुत सी चीज़ें आती नहीं हैं। तो ऐसा करता हूँ, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिकों पर कवर करूँगा, ठीक है, वो आपको बता दूंगा। जो इंपॉर्टेंट आप लर्न करने वाला वो लर्न कर लीजिएगा, बाकी कुछ चीज़ें निकालने वाली हूँ मैं, आपको बताऊँगा कैसे निकालिए आप लोग, ठीक है। तो चलिए, वीडियो कैसा जरूर बताइएगा, मिलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा परमाणु संरचना जो है, हिंदी माध्यम जो परमाणु संरचना है, परमाणु संरचना से कोई क्वेश्चन कैसे बनेगा आपके लिए, ठीक है। तो वो सारी बातें मैं आपको समझाऊंगा, समझिए बालक। तो परमाणु संरचना से सबसे पहला टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ, कुछ नियम पहले जान लीजिए बेटा। पहले नियम कुछ बता देता हूँ, जैसे आपको इंपॉर्टेंट नियम है पाउली का नियम। इसका नियम बेटा पाउली का अपवर्जन नियम क्या होता है बेटा, पेपर में सीधा पूछा जाएगा, पाउली का अपवर्जन नियम लिखिए, सीधा ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आप लिखेंगे क्या लैंग्वेज नोट करी कॉपी में, कॉपी निकाल लीजिए बेटा। देखो, पाउली दादा कहे थे ये, और हाँ क्वांटम संख्या जानते, नहीं जानते तुम लोग, वो भी नहीं जानते होगे तो बड़ा कहानी गड़बड़ा यार। चलो लिख लो, नहीं अभी बताता हूँ क्वांटम संख्या का, क्योंकि इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा आपको। पाउली क्या बोले थे, किसी एक परमाणु के दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती, ठीक, लिख लिया, यही इनका नियम है। अब रिवर्स करके सुन लीजिए मैंने क्या बोला। उसके बाद बोले कि कोई तीन क्वांटम संख्याएं समान हो सकती हैं, लेकिन एक अवश्य भिन्न होगी। ये भी पॉइंट लिखेंगे आप, इतना लिखने के बाद उदाहरण देंगे, कैसे देंगे, मान ली एग्जाम्पल लिया मैंने बेटा 3s, क्या लिया बेटा 3s2 उदाहरण लिया मैंने। यहां पर बेटा ये जो वैल्यू होती है वो n की होती है, n बराबर 3। उसके बाद l की वैल्यू s के लिए बेटा 0 होती है। अभी मैं समझाऊंगा क्वांटम संख्या क्या होती है, तब समझ में आ जाएगा। अभी तो मैं इतना समझो, l का मान इसके लिए क्या होगा बेटा, शून्य होगा। m का मान, अगर l का मान शून्य तो बेटा m का मान भी शून्य होता है, l 0 तो m 0, बट m 0 तो जरूरी नहीं l 0 हो, समझे। उसके बाद बची स्पिन क्वांटम नंबर यानी चक्रण क्वांटम संख्या, इसका मान तो ऐसे ध्यान देना पड़ेगा हमें, एक इलेक्ट्रॉन अपनी इस दिशा में, एक इलेक्ट्रॉन अपनी इस दिशा में, इस दिशा वाले इलेक्ट्रॉन के लिए s का वैल्यू प्लस आधा होगा, ठीक। अब बालक इस वाले इलेक्ट्रॉन की चाहे डिटेल लिखेंगे तो n की वैल्यू इसके लिए भी क्या रहेगी 3, इसके लिए l की वैल्यू क्या रहेगी शून्य, m के लिए इसके लिए क्या रहेगी बेटा शून्य, s के लिए इसके रहेगा -1/2। मैं मानता हूं कुछ बच्चों को बिल्कुल नहीं पता होगा सर मैंने क्या किया है, बट जिनको नहीं पता उनको मैं समझाऊंगा, डरे मत, क्योंकि बालक सर की क्लास में आने के बाद अगर डर है तो फिर क्या ही बताए, मतलब क्या बताएं हम लोग को। बालक पाउली का अपवर्जन नियम इतना लिखना है, 2 नंबर तुमको जाएंगे मिल, 3 नंबर का भी आ सकता है। हम तुमको समझाते हैं कि भैया ये क्वांटम संख्या का होता है, चलो तो भैया ये नोट कर लियो, तुम पहले समझ लो क्वांटम संख्या है का, पूरी बातें बताऊंगा, जाना मत कहीं पर, पूरा लेक्चर मन से देख लेंगे तो बेटा इसी लेक्चर से कौन पास हो जाए, इतना भयंकर पढ़ाएंगे और का। बालक अब हम बात करूंगा क्वांटम संख्याएं क्या मतलब है इनका, क्वांटम संख्याएं, ओ माय गॉड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बालक। ऐसा कोई संख्या जो इलेक्ट्रॉन का रहना खाना पीना सोना धोना सब बता दे, मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन की पूरी स्थिति का जब ज्ञान हो जाए तो उन संख्याओं को कहते हैं क्वांटम संख्याएं। सर को समझ नहीं आया, पता नहीं क्या बोलना चाह रहे हैं आप। वे संख्याएं जो इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण पता बताती हैं, वे संख्याएं जो इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण पता बताते हैं। सर पूर्ण पता का क्या मतलब है बेटा, स्थिति चक्रण चुंबकत्व सब कुछ, बहुत सारी बातें होती ना क्वांटम संख्या में, तो ये सारी बातें, इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में घूम रहा है, कक्षा का ज्ञान कराएंगी, उप कक्षा का ज्ञान कराएंगी, सेल का सब सेल का, समझ रहे। अब तुम लोग को ये नहीं बताओ सर कक्षा उप कक्षा भी बताइए, ओ माय गॉड ये भी नहीं आता, तो ये सीखे फिर वो समझाता हूँ क्या है, अरे यार तुम लोग बहुत गड़बड़ हुआ। चलो तो मैंने क्या कहा, जो संख्याएं इलेक्ट्रॉनों को पूर्ण पता बताती हैं, ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा स्थिति कक्षा उप कक्षा चुंबकत्व चक्रण ये आदि सब पोजिशन बता, सब कुछ बता दे, ब्रैकेट बंद कर दो, इन्हें क्वांटम संख्या कहा जाता है। क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं 4 प्रकार की, कौन कौन सी बेटा, एक क्वांटम संख्या होती है एन,
एक होती L, एक होती M और एक होती S। इन क्वांटम संख्या बेटा सेल के विषय में बताती है, मतलब कोस के विषय में बताती है। ज्यादा डिटेल में जाके क्या लिखेंगे बेटा, कोस के विषय में बताती है कि इलेक्ट्रॉन किस कोस में है। बालक परमाणु होता है ना, उसके पास देखो ये नाभिक होता है, उसके चारों ओर जो होती है ना कक्षाएं, इन्हें कोस बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, कोस बोला जाता है। ये कोस होते हैं, पहले कोस का नाम के है, दूसरे का एल, फिर एम, फिर एन, इन्हें कोस बोला जाता है। इनके अंदर उपकोस होते हैं, इसमें बेटा एस होता है, इसमें एस पी होता है, इसमें एस पी डी होता है, और इसमें एस पी डी एफ होता है। समझे मेरी बात, ये उपकोस होते हैं। तो इन बताता है बेटा कोस कौन सा है, के कोस है, एल कोस है, एम कोस है, बताइए लिख लो, एक दो तीन चार। तो इन इसकी वैल्यू एक दो तीन चार, इनकी वैल्यू कभी शून्य नहीं होगी, आप एक दो तीन चार ही रखेंगे, ठीक है। अब बालक इनकी जो भी वैल्यू होगी उसका एक माइनस करोगे तो एल की वैल्यू होती है। मान ली बेटा, समझिए मेरी बात, एल का, एल का एस के लिए वैल्यू बेटा शून्य, पी के लिए वैल्यू बेटा वन, इतना याद रखे, डी के लिए वैल्यू बेटा टू, और एफ के लिए अगर कुछ गलत बोल दिया ध्यान देना बेटा तीन, इतनी बात याद रखें। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन, जैसे कि इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, लिथियम, लिथियम का तीन होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है आपको, तो क्या करोगे, 1s2 2s1। बेटा बहुत बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में नहीं आता होगा, मतलब समस्या बहुत सारी है आप लोग के पास, मुझे पता है। लिथियम का तीन इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो बेटा किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना, तो परेशान मत हो, मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ, उसे इसे करना, इतना याद कर लो तुम लोग, 1s2 2s2 2p6 3s2। ये सब क्वांटम संख्या का पार्ट नहीं है, क्वांटम संख्या बताऊंगा क्या, पहले ये सब सीख लो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d और सॉरी बेटा 4s2 और 3d10। आपको 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20, 10, 30, 30 इलेक्ट्रॉन, यानी अगर किसी परमाणु में 30 एटॉमिक नंबर आया है तो उतने का क्लैरिंग में से इन्हीं के अंदर होगा, मतलब इतना आपको रटा रहना चाहिए, लाइन से ऐसे ही भरते हैं। पेपर में आया तुम्हारे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, तो बालक सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, हमको करना है ये। तो बेटा पहले 1s2 पूरा भर दो, आपके पास 11 टाफियां हैं तो इनको दो दे दिया, फिर आगे वाला भर दो बेटा 2s2 इनको भी दो दे दिया, उसके बाद बेटा आपके पास 2p6 इनको भी 6 दे दिया, बचा केवल बेटा एक आपके पास, कितना बचा एक, तो बेटा उसके बाद क्या करेंगे बेटा 3s1 करेंगे, क्या करेंगे 3s1 करेंगे, कि 11 है ना, 2, 2, 4, 6, 10, 10, 1, 11। तो बेटा ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। ठीक उसी प्रकार लिथियम का तीन होता है, कितना होता है तीन होता है, तीन का करें 1s2 2s1, यहाँ 2s2 भर सकते थे, लेकिन तो वहाँ पर चार होना चाहिए था, मान लो बेरिलियम होता चार, तो आप करते 1s2 2s2 करते, क्योंकि चार हो गए इलेक्ट्रॉन। तो बालक ये बाहरी इलेक्ट्रॉन एस में आया ना, अगर मैं कहूँ इसके लिए एल की वैल्यू क्या होगी, तो कहोगे शून्य है, क्योंकि उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, एस में गया है। होप कि आपको थोड़ी बात समझ में आई हो। तो एल का मान बेटा देखिए, एन का मान क्या हो सकता है बेटा 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा, एल की वैल्यू क्या हो सकती है बेटा 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। एल क्या बताता है, एल क्वांटम संख्या उपकोष की जानकारी देती है, इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में है, समझ रहे मेरी बात को। ऐसे ही अगर आपको नोट्स की चिंता है तो चिंता ना करें, अगर मेरा मतलब कोई ऐसा वीडियो नॉर्मली ऑफलाइन, मेरे बच्चे ही देखते हैं ऑफलाइन जितने हैं, बाकी अगर ऑनलाइन कोई और बच्चा देखा उसके नोट्स की जरूरत है तो मैं बेटा व्हाट्सएप नंबर दूंगा, उसी पे परमानेंटली जुड़ जाना, सभी बच्चों को उसमें जोड़ रहे हैं हम लोग। टेलीग्राम मैंने बताया था लेकिन कोई मिल ही नहीं पा रहा है, आपको दिख रहा है सब कुछ बेटा, तो बालक दिख तो रहा है, वैसे प्रयास तो मेरा पूरा दिखे आपको। तो बालक ये आपको समझ में आ गया पूरी बात, एल की वैल्यू समझ में आ गई बेटा, एम की वैल्यू बेटा क्या होती है, देखो बालक एम की वैल्यू समझने के लिए इतना नोट कर लेना बेटा तुम लोग पहले, हाँ एम की वैल्यू को समझने के लिए देखिए बालक, एस में होता है एक ऑर्बिटल, कितना होता है बेटा एक ऑर्बिटल, एस में एक ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिटल बेटा दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। पी में बेटा कितने ऑर्बिटल होते हैं बताएगा, कमेंट तुम लोग नहीं करते, बहुत कम करते हो कमेंट, ना लाइक करते हो, कमेंट नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, कुछ करते नहीं, होता नहीं, क्या खाते हो तुम लोग, एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं भरेंगे बेटा, एक हुंड नियम बताऊंगा तो बताऊंगा कैसे भरते हैं इलेक्ट्रॉन, पहले सब में एक एक भर दो, उसके बाद डबली भरो, ऐसा कहने के लिए बेटा हुंड दादा कहके गए थे हमसे, कहते सबको बता देना, हम बता रहे तुम लोग को। पी में भर दिया, पी में तीन ऑर्बिटल होते हैं बेटा, फिर डी में बेटा पांच होते हैं,
ऑड ही होते हैं बेटा, एक दो तीन चार, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, पांच इलेक्ट्रॉन। आप ऐसे भर सकते हो, ऐसे करके ऐसे दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका ऐसे ऐसे भी है, आप मन करे तो ऐसे भरो जैसे तुम्हारा मन करे। तो बेटा ये तुम्हारे हो गए टोटल कितने बेटा, 10। यानी एस में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन। और बेटा यही बात डी में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन। बेटा एफ में जो आओगे आप, एफ में बेटा आपको मिलेंगे टोटल 14 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, सब में पेयर, सब में क्या कर दिया बेटा आपने, पेयर कर दिया। सॉरी इसमें ऊपर बना दे, समय ऐसे बना दिया, आप बना जैसा बनाना है बेटा। एफ में होते 7 ब्लॉक यानी 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए एस पी डी एफ में कितने ऑर्बिटल होते हैं। अब एम की मान तभी जान पाओगे, मान ली बेटा एम की वैल्यू आई, एल जीरो हो जाता है यानी एस है तो एम भी जीरो, इसके लिए कोई मतलब नहीं रखना, एल जीरो तो एम जीरो कन्फर्म रहेगा, उसको भूल जाओ। जब आएगा इलेक्ट्रॉन पी में तो एम के 3 मान होते हैं, कितने बेटा, 3। पी में बेटा 3 मान कैसे रखेंगे, पी में 3 डिब्बे होते हैं, 3 मान ऐसे होते, देखो बेटा 1 - 1 0 फिर +1, ठीक है। मान लिया इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, कहाँ आया, तो उसके हिसाब से +1 + 2 रखेंगे आप। ये -1 है तो ये +1 है, बाकी ये 0 है। डी में आप समझ गए होंगे, डी में कितना होगा बेटा, अभी क्वांटम मैकेनिक्स निकालना सिखाऊंगा, परेशान मत हो। यहाँ पर बेटा डी है -2 - 1 0 + 1 + मतलब माइनस से प्लस तक जाना है बेटा आपको, 5 हो गए। उसमें बेटा -3 - 1 - 2 - 1 0 + 1 + 2 + 3, ये बेटा एफ वाले केस को हो जाएगा। तो एम के मान बेटा 0 - 3 0 + 1 + 2 + 3 - 1 - 2 - 3 हो सकते हैं, ये वैल्यू किसके हुए, एम की। एस की वैल्यू बेटा 2 वैल्यू होते हैं, एक बेटा प्लस आधा होता है और एक बेटा होता है माइनस आधा। इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है तो प्लस आधा, ऊपर इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है तो माइनस आधा। तो बेटा अब समझो, ये तो मैंने आपको पूरा डिटेल समझाया कैसे क्या हो रहा है। एक्चुअल में पेपर में आएगा क्वांटम संख्या क्या होती है तो आपको लिखना क्या है, देखो वे संख्या है जो इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण पता बताती है, क्वांटम संख्या कहलाती है, ठीक है। क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है, एन एल एम एस, ठीक। जो एन क्वांटम संख्या, इसे मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, इसे मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। यह इलेक्ट्रॉन के कोष का ज्ञान कराती है, ठीक है। उसके बेटा एल आता है बेटा आपके पास, तो कहोगे एल जो है या इलेक्ट्रॉन के उपकोष का ज्ञान कराती है, ठीक है। इसके मान लिख देंगे क्या क्या होते हैं। फिर बेटा एम क्वांटम संख्या, या बेटा ओरिएंटेशन, या इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास का ज्ञान कराती है बेटा, क्या कराती है बेटा, इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास का ज्ञान कराती है, ठीक है। और बेटा ये जो है चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं, यह चक्रण क्वांटम संख्या है, इसका नाम मुख्य क्वांटम संख्या है बेटा, इसका नाम दिगंसी क्वांटम संख्या, कौन सी बेटा, दिगंसी क्वांटम संख्या बेटा, इसका नाम चुंबकीय क्वांटम संख्या, क्या बेटा, चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसका नाम चक्रण क्वांटम संख्या, कौन सी बेटा, चक्रण क्वांटम संख्या। होप कि आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा, मैंने थोड़ा सा आपको पुश कर दिया, आपको ये बातें समझ में आ गई कि क्वांटम संख्या क्या होती है, इलेक्ट्रॉन का पूरा पता बताती है। अब पेपर में आए क्वेश्चन निकालेंगे कैसे, ठीक है, समझाता हूं मैं पूरी बात आपको कि क्वांटम संख्या पेपर निकालें कैसे, इतना नोट कर ले बेटा, मैंने बहुत अच्छे समझाया बेटा आपको, समझ में आ जाना चाहिए, इतना नोट कर लेंगे तो आपको काफी हद तक सरलता आएगी। अब पेपर में आया क्वेश्चन, लिखिए बेटा आप लोग, सोडियम के 11वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या बताइए, क्या क्वेश्चन है बेटा, सोडियम के 11वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या बताइए, आपको दिख रहा है बेटा, हाँ। तो सोडियम के 11वें इलेक्ट्रॉन की, अच्छा सर सोडियम का पहले क्या लिखेंगे बेटा, एटॉमिक नंबर 11 होता है, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका कहां पर है, सर्वप्रथम बेटा आप पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, 1s2 2s2 2p6, ठीक है बेटा। उसके बाद लिखेंगे 3s1, मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन बेटा कहाँ गया बेटा आपका, 3s1 में गया, है ना बेटा। अब बालक इसको गोला कर लीजिए, 11वां इलेक्ट्रॉन, देखो 2 2 4 6 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ तो कुछ मतलब नहीं, 11वां इलेक्ट्रॉन यहाँ गया है ना, कहाँ गया बेटा, 11वां इलेक्ट्रॉन यहाँ गया है। इस केस में सबसे पहले n की वैल्यू ये वाली वैल्यू होती है, तो n की वैल्यू कितनी बेटा, 3। एक वैल्यू का मान क्लियर हो गया बेटा, इलेक्ट्रॉन कहां पर बेटा, एस में है, तो एल का वैल्यू कितना रहेगा बेटा, 0। एल 0 तो बेटा बेटा आप बताइए क्या शून्य होगा, एम 0, एम में क्या बेटा, 0। बचा एस का वैल्यू, एस का बेटा क्या करिए, ऑर्बिटल बनाइए, बना लिया सर, 2 2 4 6 10 इलेक्ट्रॉन यहां तक भर चुके हो आप,
अब जो आगे बढ़ोगे तो कौन सा इलेक्ट्रॉन रहेगा, ग्यारहवां इलेक्ट्रॉन, यानी ये सीधा है क्या बेटा, सीधा है, यानी इसका वैल्यू क्या रहेगा, प्लस एक बटे दो। तो बेटा आपको पता चला एन वैल्यू ये होती है, एल की वैल्यू बेटा एस की शून्य होती बताया मैंने, उसके बाद बेटा मैंने एम की वैल्यू का एल जीरो तो एम जीरो भी हो जाएगा, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन सीधा रहेगा तो बेटा प्लस आप बताइए समझ में आया कि नहीं आया, इसमें कमेंट थ्रू इस तरह तुरंत कमेंट करिए बेटा कि आ गया सर बिल्कुल एक्सीलेंट सर ये आ गया, समझाया बेटा। अब बेटा हम बात करेंगे, अब बात करेंगे बेटा हम, हाँ पंखा चल रहा है बेटा, आवाज ना हो क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, दिक्कत होता है, पसीना आने लगता है, आप आवाज को माइंड ना करिएगा, समझ गए, ठीक है। यूपी बोर्ड का बच्चा इतनी माइंड नहीं करता है, ये छोटी छोटी बातों पे सर क्या ही बात कर रहे हैं, शहर वाले थोड़ी ना है ये, चलो बालक। अब बेटा पेपर में क्वेश्चन आता है, क्लोरीन के 17वें इलेक्ट्रॉन की, 17वें क्लोरीन के 17वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, क्लोरीन के 17वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं बताएं हमें। तो बालक सबसे पहले क्लोरीन का 17 परमाणु क्रमांक, बेटा 30 तक एलिमेंट का परमाणु क्रमांक याद कर ले, वो आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। सबसे पहले लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 2, 2, 4, 6, 10, 10, 2, 12, 5, 17। 17 इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है बेटा, इसमें जा रहा है, p में जा रहा है, पहले देखो जा कहाँ रहा है, ये तो बेटा आपको आना चाहिए। तो लिखेंगे n की वैल्यू बेटा कितनी, 3, क्योंकि ये वैल्यू 3 हो गया n की वैल्यू। उसके बाद p है बेटा, L का मान देखो पीछे जाके देखो तो मैंने कहा था L P के लिए क्या होता है बेटा, 1 होता है, L का मान बेटा 1 आएगा। अब M का मान ज्ञात करने के लिए बेटा क्या करेंगे, P में कितने डिब्बे होते हैं बेटा, 3 डिब्बे होते हैं, पहले बेटा आप 3 डिब्बे बनाइए, बना लिया आपने, अच्छा सर 17वां इलेक्ट्रॉन देखना है, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 12 तक यहाँ तक फुल हो रहा है, यानी 13वां इलेक्ट्रॉन, 14वां इलेक्ट्रॉन, 15वां इलेक्ट्रॉन, 16वां इलेक्ट्रॉन और 17वां इलेक्ट्रॉन, ये वाला आपका 17वां इलेक्ट्रॉन हुआ। भरने का तरीका अच्छे अच्छे बच्चों को नहीं आता है, आप अच्छे नहीं इसलिए आपको आ गया है माइनस वन, इसके ऊपर जीरो, इसके बेटा प्लस वन, ये लिखना है आपको हमेशा। अब आप ये देखिए कि आपका इलेक्ट्रॉन आया किसमें, जिसके ऊपर जीरो, यानी एम का मान कितना रहेगा बेटा, जीरो, देखा एम जीरो एल जीरो नहीं हुआ, तो एम जीरो पे एल जीरो नहीं होता, एल जीरो पे एम जीरो, तो बेटा यहाँ 17वां इलेक्ट्रॉन आपको आ गया, नहीं आया तो रिवर्स एक बार फिर से देखिए, गलती ना करिए आप बालक, ये भी आपको आ गया। एस की वैल्यू सर क्या ही होगी, एस की वैल्यू समझाने के लिए बेटा क्या है, इलेक्ट्रॉन देखो नीचे की ओर जा रहा है बेटा, क्या इलेक्ट्रॉन देखो बेटा नीचे की ओर जा रहा है 17, तो बेटा माइनस एक बटे दो, कोई गलती अगर तुम्हें डाउट हो तो बेटा उसको प्लस माइनस लिख देना, टीचर कहेगा चलो ठीक है, अरे जब तुम्हें लगे प्लस होगा माइनस, यहाँ बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, तो बेटा क्या करना, प्लस माइनस दोनों लिख देना, ठीक है ऐसे, तो अभी तो आप समझिए क्या बेटा माइनस में, तो माइनस में लिख दिया बेटा, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। 17वां इलेक्ट्रॉन क्वांटम संख्या निकाल दी, आपको आ रहा है तो जरूर बताइएगा बेटा आप लोग, क्वांटम संख्या निकालना आ रहा है, ठीक से। अब मैं बेटा कठिन देता हूँ क्वेश्चन, लिखिए बेटा आप लोग, क्लोरीन के 12वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं हैं बेटा, क्लोरीन के 12वें इलेक्ट्रॉन, यानी क्लोरीन का कौन सा इलेक्ट्रॉन, 12वां इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं बताइए। अब ऐसा अगर क्वेश्चन आता है मेरा एक मार्क कहा गया है, तो बेटा पहले क्लोरीन का क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, क्या करेंगे बेटा कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, 17 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, 12वां इलेक्ट्रॉन देखना कहां पर है, 2, 2, 4, 4, 6, 10, ये 2s2 पे है, 10, 2, 12, 12वां इलेक्ट्रॉन बेटा यहां पर है 3s2 में, कहां पर, वहां जाने की जरूरत नहीं है। n की वैल्यू बेटा क्या रहेगी, 3, s में इलेक्ट्रॉन 12वां है तो l की 0, m का मान भी क्या बेटा 0, अब n का 3 हो गया, l का 0 हो गया बेटा, और m का कितना हो गया बेटा, m का बेटा कितना हो गया, m का बेटा हो गया बेटा 0। अब बालक यहां पर बचा बेटा किसकी वैल्यू बेटा, s की, यहां पर एक, s में कितना डिब्बा होता है बेटा, एक डिब्बा खींच लो। अब बालक 2, 2, 4, 6, 10 हो गया था, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 11वां इलेक्ट्रॉन, फिर उल्टा हो जाएगा 12वां इलेक्ट्रॉन बेटा माइनस एक बटे दो, ये बेटा किसकी क्वांटम संख्या हो गई बेटा, आपको सारी क्वांटम संख्या आ गई। ये तो था इनडायरेक्ट, इस तरह क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता दोगे। अभी कभी कभी टीचर कहता है कैसा क्वेश्चन आएगा, मैं बता रहा हूँ आप लोग जितने हिंदी मीडियम वाले मीडियम इंटर कॉलेज के बच्चे यहाँ पर लखनऊ में ज्यादा होंगे, और रही बात नहीं करने वाला के बच्चे भी हिंदी मीडियम भी ज्यादा होंगे, जो भी बच्चे हैं यहाँ पर वो समझे क्वेश्चन पेपर फॉर्म में टीचर कैसे दे सकता है और कठिन करके, तो इस तरह क्वेश्चन ना दिया टीचर तो क्या देगा, देखो मान लो टीचर ने कहा तुमसे बेटा 3d7 की सभी क्वांटम संख्या बताइए, क्या बताइए बेटा 3d7 की सभी क्वांटम संख्याएं बताइए।
अब बालक इसको करने में बच्चा थोड़ा कंफ्यूज होता है, क्या करेंगे आप? सर पहले तो n दिख रहा है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 3 लिख लो। d दिख रहा है यानी l की वैल्यू 2 होगी। मैंने बताया बेटा इधर देखो, अगर आप l की वैल्यू, s के लिए 0 थी, p के लिए 1 थी, d की वैल्यू कितनी थी, 2, l की वैल्यू भी, n की वैल्यू पता चल गई देख कर ही, और d की वैल्यू भी बेटा आपको देख के पता चल रही है। अच्छा सर, n की वैल्यू बेटा वो कन्फ्यूजन करेगी आपको। उन्होंने पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की नहीं बोली है, उन्होंने बेटा पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की नहीं बोली, उन्होंने कहा 3d7 की क्वांटम संख्या बताइए। तो बेटा आपको d का पूरा ऑर्बिटल बनाना पड़ेगा। कितना बनाना पड़ेगा? d का ऑर्बिटल बनाया, 1 2 3 4, 7 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है बेटा। कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहा है बेटा? 7 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। अब आप इलेक्ट्रॉन भरे ना भरे, लेकिन समझे, -2 -1 0, +1 +2, है ना। ये सारी वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए बेटा, ये सारी वैल्यू क्या कर देंगे यहां पर पुट कर देंगे। एम की वैल्यू क्या हो सकती है? -2 हो सकती है, -1 हो सकती है, 0 हो सकती है, +1 हो सकती है, +2 हो सकती है। एम की सारी वैल्यू बता देंगे, एम की सारी वैल्यूज हो सकती है, क्योंकि आपको पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, अगर कहता इसका तीसरा इलेक्ट्रॉन तो तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाता, इसका चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाता, लेकिन यहाँ बोला 3d7 में सभी क्वांटम संख्या बता। तो बेटा चलो लो सब क्वांटम संख्या, और बेटा इस तरह एस का वैल्यू +-1/2, क्या बता देंगे, +-1/2, +1/2, एल की वैल्यू 2 हो जाएगी, एन की वैल्यू 3 हो जाएगी। इस तरह बेटा आए तो ऐसे कर देना। समझ मेरी बात को? एकदम क्रिस्टल है बेटा मेरी बात, आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। इस तरह क्वेश्चन आ सकता है बेटा। आप एग्जाम में, आप क्वेश्चन पेपर में करके मुझे बताइएगा। 3p ऑफलाइन वाले सब कर लेंगे, 3p 5 की बेटा सभी क्वांटम संख्या है, 3s 2 की सारी क्वांटम संख्या है, और क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, हाँ ठीक है, और 3d 2 की सारी क्वांटम संख्या है, ठीक है, इनकी क्वांटम संख्या बताइएगा आप बेटा। एक बात क्वेश्चन पेपर में और घुमा के पूछा जाएगा, रुको क्वेश्चन घुमा के क्या पूछा जाएगा तुमसे, दिख रहा है बेटा सबको, नोट कर लो बेटा, हाँ बेटा दिख रहा है। अब घुमा के टीचर क्या ही पूछ सकता है तुमसे, देखो बेटा तुमसे घुमा के ये बात पूछा जा सकता है कि अगर किसी के लिए, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, सॉरी किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम एल का मान 3 है, क्या बेटा, एल का मान 3 है, अगर किसी भी क्वांटम नंबर में एल का मान क्या बेटा 3 है, तो इसके एम के कितने मान होंगे? सर एम के मान, अच्छा सर एम का मान 3 है, और बेटा एल का मान 3 होने का मतलब है ये एफ ऑर्बिटल इसमें इंक्लूड हो रहा है, कौन बेटा, F, क्योंकि L का मान 3 किसके लिए था, F के लिए, ध्यान करो, S के लिए 0 था, P के लिए 1 था, D के लिए बेटा 2 था, F के लिए क्या बेटा 3 था, तो बालक F के 3 था, तो बेटा 3 था, यानी M के मान निकालने, M के लिए पहले डिब्बा बनाओ 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, ये बेटा क्या हुआ बेटा आपका, ये F के लिए बेटा पूरा डिब्बा बना दिया मैंने आपके लिए, ठीक। M के इतने ही मान हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बेटा, M के इतने मान हो जाएंगे, समझ गया बेटा। M के -3 मान हो सकता, 2 हो सकता, 1 हो सकता, 0 हो सकता, +1 हो सकता, +2 हो सकता, +3, क्योंकि L 3 होने का मतलब वो F है, L 3 होने का मतलब क्या है, वो F है, क्योंकि L 3 तभी होगा जब F होगा। तो बेटा उस केस में M के इतने सारे मान क्लियर होंगे, आप ये बनाए ना बना, लेकिन बना के लिख देंगे हमारे कितने वैल्यू होती है, समझ के S के दो ही वैल्यू रहती है, कोई डाउट नहीं उसमें। इस तरह क्वेश्चन भी आपसे बनेगा, क्वांटम संख्या का स्वाहा हो गया क्वांटम संख्या। अब बेटा आप आएंगे, हम लोग समझेंगे चीजें। तो बेटा आपने पौली के नियम आप समझने का प्रयास करना, तो पौली यही बोला था, अब क्वांटम नंबर निकालेंगे 4s2 में कैसे इलेक्ट्रॉन बनेगा आप समझ में आ गया होगा। एक बेटा हुंड का नियम याद करिए बेटा, हुंड का नियम, ये क्या बोले थे बेटा आपको समझाने के लिए, ये बोले थे लिखो, इलेक्ट्रॉनों के भरने के क्रम व्यवस्था में, इलेक्ट्रॉनों के भरने के क्रम व्यवस्था में युग्मन तब तक प्रारंभ नहीं होगा, युग्मन तब तक प्रारंभ नहीं होगा जब तक समदिश अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम ना हो जाए। ये मेरे सर ने मुझे बताई थी, मैंने आपको बता दी। चलिए तो वाला हुंड का नियम परिभाषा नोट कर लिया, हुआ क्या बेटा, जैसे मैंने कहा चलिए 3p 4 में 3p 4 को इलेक्ट्रॉन भर के दिखाओ कैसे भरोगे, तुम्हारा मतलब है P में है भैया, P खींचोगे, 3 ऑर्बिटल तो 4 इलेक्ट्रॉन भरने, तो कुछ दौड़ते हुए पजामा ऐसे करेंगे, क्या खाते हो क्या पीते हो क्यों इतना ज्यादा जीते हो। अंजलि को समझ में आ रहा है, सुप्रिया को समझ में आ रहा है कुछ है सर, कमेंट का तुम्हें तो लर्न हो जाता, हर चीज लर्न हो जाती है इनको, उनको लर्न हो जाता है, नंदिनी को आ जाना चाहिए, अंशिका को आ जाना चाहिए, जीव बच्चे हैं बेटा आप सभी को आना चाहिए।
शेयर करिए बालक सबसे ज्यादा ये तरीका रांग है। गुंड बोला भैया सुन ये जो भर रहा ना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ये तरीका तेरा रांग है। उनका कहा भैया गलत का है। कहे यार भंडारे में अगर कोई आया है तुम्हारे तो सबको एक एक पूड़ी दो। कहा है सबको एक ही आदमी दो चार दस पूड़ी दे दे रहे हो। सबको एक एक पूड़ी दो तब तक वो खाते रहेंगे तब दूसरी पूड़ी बांट देना। हमका बात समझ में आ गए हम समझाएंगे तुमको। हमका ये रांग है इसको हटाओ यहाँ से। चार इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं भरेंगे। सबसे पहले हम चार डिब्बा खींच के सबको दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे चार डिब्बा ये खींचा मैंने एक दो तीन सब में तीन 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 ये कौन डिब्बा बनाने बेटा। देखो हम दिखाना चाहते पहले में एक भरेंगे फिर एक भरने के बाद बेटा दूसरे में भरेंगे फिर दूसरा भरने के बाद बेटा हम तीसरे में भरेंगे। जब तीनों भर डालेंगे तो बेटा फिर से युग्मन प्रारंभ होगा। हुंड ने बोला क्या बोला ए भाई सुन कि इलेक्ट्रॉनों के भरने के क्रम व्यवस्था में युग्मन पेयरिंग मतलब हर समय कोई पेयरिंग नहीं कर सकता बेटा। जब मान तब पेयरिंग कर लोगे हैं पेयर बनना चाहते हो। हमने कहा पेयरिंग युग्मन तब तक प्रारंभ नहीं होगा जब तक सम दिश समान दिशा वाले इलेक्ट्रॉनों का मान अधिकतम ना हो जाए। तो बेटा ये समझ में आया तुमको तो ये बेटा हुंड दादा का नियम कंप्लीट। यही एग्जांपल देना तीन नंबर खट से मिलेगा। अच्छा दादा एक बात बताओ हमको उनका का नियम भैया। एक हाइजेनबर्ग वैज्ञानिक है वो आदमी भैया हमको बहुत समझाता है। कहता है कि कोई आदमी चल रहा है तो या तो ये पता कर लो कि कितनी तेज चल रहा है या तो ये पता कर लो वो है कहाँ पर। ये कौन बोला हाइजेनबर्ग समझाते हैं बेटा इनका बहुत नियम इम्पोर्टेंट है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत लिखा कुछ और है। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत ठीक है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत ठीक है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग कुछ गलत सरल लिख दिया तो ध्यान रखें। अब बालक होता क्या है कि बालक ऐसा हुआ कि बीएससी एमएससी मेरा हो गया साइंस उससे इंग्लिश में हिंदी मीडियम 12 तक पढ़े तो उसमें कहता कभी कभी कन्फ्यूजन होता है बट नहीं आता दोनों ही है हिंदी हिंदी। हाँ जिस दिन तुमको हिंदी पढ़ा ना न सब आ जाएगा तुमको। हिंदी भी नहीं पढ़ा था मैं हिस्ट्री पढ़ा दूँ जियोग्राफी पढ़ा दूँ पॉलिटी पढ़ा दूँ इकोनॉमिक्स पढ़ा दूँ जो पढ़ना सब पढ़ लो लेकिन टॉपिक इतनी जल्दी नहीं। पहले केमिस्ट्री पढ़ेंगे क्योंकि मेरा मास्टर्स केमिस्ट्री में। चलिए हाइजेनबर्ग का सिद्धांत क्या बेटा इसको समझाते हैं। इन्होंने बोला किसी अति सूक्ष्म गतिशील कण की स्थिति तथा संवेग या वेग का निर्धारण एक साथ संभव नहीं है। मतलब ये आदमी बोला अगर कोई चीज गरगर गरगर गति में है तो या तो ये जान लो वो कहां पर है और या तो ये जान लो कितनी तेज चल रहा है वो दोनों एक साथ नहीं ज्ञात कर सकते। समझ में आ गया हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ स्मॉल मूविंग पार्टिकल एट अ सेम टाइम एक समय में एक साथ किसी की स्थिति और वेग का निर्धारण एक साथ कर लो ऐसा संभव नहीं है बालक। समझ रहे मेरी बात को। ये बात को समझाता हाइजेनबर्ग ठीक है। लिख लिया बेटा इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था कहा था डेल्टा पी गुड़े डेल्टा एक्स ज्यादा या बराबर एच बाय फोर पाई। ये बेटा हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल था जो यहां पर डेल्टा पी है। हाँ इसको आप लिख सकते हो एम डेल्टा वी भी। हाँ तो आप जैसा तुम्हारा मन करे वह लिख दीजिए बेटा। बेटा यहां पर ये है संवेग में अनिश्चितता। क्या मतलब बेटा पी का मतलब संवेग में अनिश्चितता और बेटा डेल्टा एक्स का मतलब है स्थिति में अनिश्चितता। एच का मतलब है प्लैंक कांस्टेंट जिसका वैल्यू 6.67 × 10⁴ ठीक है जूल पर सेकंड। उसके बाद बेटा ये 4 की पाई की वैल्यू तुम्हें पता होती है तो बेटा ये हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता से जानते हैं। बाकी 11th में आप इतना याद कर लेंगे काम हो जाएगा आपका। ये भी आपको समझ में आ गया। आपको समझ में आने बेटा पेपर में आएगा बेटा कि भैया ये बताइए कि कैथोड किरणें क्या होती हैं इनकी विशेषताएं क्या हैं। कैथोड किरणें क्या होती हैं इनकी विशेषताएं क्या हैं। तो कैथोड किरणें क्या हैं कैथोड किरणें देखो बेटा जब जे जे थॉमसन बाबा ने बाबा ये बहुत पुराने हैं ना क्या कर सकते हैं। जे जे थॉमसन बाबा खोज रहे थे कह रहे थे कुछ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन खोज लिया जाए। हाँ खोजो बहुत जरूरी है भैया जमाना चल रहा है खोजने का हम खोजते हैं। वैज्ञानिक वैज्ञानिक बन गए हैं मतलब बालक सर वैज्ञानिक बहुत खतरनाक। तो बालक इन्होंने एक प्रयोग किया था जिसे कैथोड किरण प्रयोग कहा गया था।
अब मैं आपको बताता हूँ कैथोड किरणों की विशेषताएं। किसी ने थॉमसन मॉडल पढ़ाऊंगा तो, लेकिन अभी तो तुम्हारा एग्जाम है तो मैं जो बता रहा हूँ उसे याद करना है। बाकी मॉडल सारा समझा ऑफलाइन में गजब समझाया बालक, लेकिन होता है ऑनलाइन के चक्कर में मतलब कि लगता है सारा टॉपिक कवर तो कर नहीं पाऊंगा। अभी 3 महीने मुझे चैनल खुले हुए हैं, ठीक से प्रॉपर पढ़ाना चालू किया। तो मैंने वाल कॉलेज जो चला था उसके साथ चैनल बना था मेरा। तो समूह एनजीओ नहीं कह रहा है, एनजीओ नहीं, मतलब नॉर्मल तरीके से बच्चों को सपोर्ट करता हूँ, जाके किसी गांव जाता हूँ पर्टिकुलर, वहाँ मैं बच्चों को कंपटीशन में इन्वॉल्व करता हूँ। उसके बाद बेटा तो बेटा उसके बाद क्या करते हैं हम, मतलब सभी बच्चों को पेंसिल पेन कॉपी सभी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो बालक अब हम समझेंगे कैथोड किरणें। बेटा पहली प्रॉपर्टी लिखी कैथोड किरणें, यह सदैव सीधी रेखा में चलती है, पहला पॉइंट। ठीक है बेटा, पहला पॉइंट लिख लिया, यह सदैव सीधी रेखा में चलती हैं, ठीक है। दूसरा बेटा, इनका ई बटे एम अनुपात सदैव क्या रहता है, नियत रहता है बेटा। ई बटे एम रेशियो सदा ही नियत रहता है, ठीक है बेटा। ई बटे एम रेशियो क्या रहता है बेटा, सदैव नियत रहता है। इतनी बात समझ में आई नहीं आपके बेटा आपको। उसके पश्चात बेटा आप लिख देंगे कि यह ऋणात्मक होती है, क्या होती है बेटा, यह ऋणात्मक तरंगे होती है, मतलब कैथोड किरण क्या है बेटा, कैथोड किरण क्या है, यह ऋणात्मक किरणें होती हैं, ठीक है। अब बेटा क्या होता है तीसरा, मतलब पहला मैंने आपको क्या बताया कि सीधी रेखा में चलती हैं, ऋणात्मक होती हैं, इनका मान ये होता है। और बेटा कैथोड किरणों की सबसे खास बात है इनकी जो गतिज ऊर्जा है वो अधिक होती है, इनकी गतिज ऊर्जा क्या होती है बेटा, बहुत अधिक होती है, ठीक है। यह शैडो बनाती है, मतलब यह छाया बनाती है, मतलब किसी भी पहिए को जब किरण निकल रही होती है ट्यूब के अंदर से निगेटिव टर्मिनल से ऐसे जा रही होती है, तो अगर बीच में कुछ डाल दो तो उसकी छाया बनेगी, तो किसी भी चक्र की बेटा मतलब छाया भी बनती है, व्हील्स का शैडो बन जाता है। तो ये प्रॉपर्टी, चार प्रॉपर्टी आपको अच्छे छोटी छोटी मैंने बता दी, ये याद रखना। ये कैथोड टर्मिनल से निकलते हैं बेटा, कहाँ से निकलते हैं, कैथोड टर्मिनल से निकलते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई बेटा, आ गया। और बेटा यह विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र की ओर विक्षेपित हो जाती है, यह विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की ओर क्या होती है, विक्षेपित हो जाती है। मतलब मान लो यहाँ तुम चुंबक लगा दिए, यहाँ चुंबक लगती है, इधर भाग जाएंगे, इधर भाग जाएंगे, ऐसा कुछ हो जाता है, तो विक्षेपित हो जाती है बेटा, ठीक है। बात समझ में आई आपको। तो कैथोड किरणें मैंने आपको बता दी, पेपर में पूछा जा सकता है कैथोड किरणों की चार विशेषताएं बताइए, ठीक है, समझ गए। तो बेटा ये नोट कर लिया बेटा आप पुस्तक की, हाँ मैंने अच्छा लिखने वाला बताया क्या मैंने आपको, ये कैथोड किरण विशेषताएं होंगी। उसके बाद बेटा आपसे पेपर में पूछा जाएगा परमाणु संयोजन क्या क्या पूछा जाएगा, मैं सारी बातें बता दे रहा हूँ, इस तरह पेपर में आगे तो बोल रहा हूँ बेटा। आपसे कहा जाएगा क्रोमियम 24 और बेटा कॉपर 29, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पेपर में लिखने के लिए आएगा, याद कर लो इस बात को, दिख रहा बेटा, मतलब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके पेपर में पूछा जाएगा। कैसे पेपर में आएगा बेटा, जैसे क्रोमियम का तो बेटा लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, ऐसे बच्चा लिखेगा नॉर्मली, सामान्य बच्चा यही लिखेगा, टीचर ये चाहता ही नहीं है, टीचर ये चाहता ही नहीं कि बच्चा ये लिखे, टीचर कुछ और चाहता है, टीचर तो भाई कुछ और मांग रहा है भाई, क्या करना पड़ेगा, इसको बदलेंगे। यहाँ पर बेटा आप क्या करेंगे, एक करेंगे, यहाँ पर कितना करेंगे बेटा 5, टीचर इसकी डिमांड करेगा, इसीलिए पेपर में पूछा जाता है, बच्चा ये गलती करेगा, इसलिए ना करेगा गलती, तो ये याद कर लो बेटा। इसका बेटा पूरा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9, आप ऐसे करोगे, टीचर को तो ये चाहिए ही नहीं जो आप कर रहे हो, ये तो गड़बड़ी आ गया माहौल। तब क्या गया टीचर, भाई साहब इसको 1 कर और इसको 10 कर, हमको ये भाई 1 और 10 वाला केस चलेगा, यहाँ पर ये दोनों रख लो। अभी तुम पूछ रहे हो सर ये काहे कर रहे हैं बालक, ऑर्बिटल में ये तो एक इलेक्ट्रॉन रहे, जैसे मान लो पी ऑर्बिटल है, ये सब अपना रूल देते हैं, मतलब कहानी है, एक हाफ फिल फुल फिल का रूल है बेटा, सब बातें एक बार समझाना वो डिफिकल्ट हो जाता है, चलो फिर बता रहा हूँ बेटा। अगर इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो स्थाई है, और इसमें दो दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो स्थाई है, अगर इसमें मान ली कहीं इतन ऐसे इलेक्ट्रॉन है दो भरे एक खाली, तो ये अस्थाई होते हैं, पूरा आधा भरा स्थाई होता है, पूरा पूरा भरा स्थाई होता है। अब इस केस में बेटा डी में अगर मान लो बेटा आपने कितने चार भरे थे ऊपर वाले में, क्या था बेटा यहाँ पर मान लो तुमने क्या कहता, चार भरा था बेटा आपने, 3-4 भरा, ना तो ये आधा भरा है ना तो ये पूरा भरा है, तो बेटा ये अस्थाई है। तो कुछ लोगों ने कहा यार एस में तो एक ही ऑर्बिटल होता है, इसमें अगर एक भर दोगे तब भी स्थाई है, दो भर दो तब भी स्थाई है, तो काहे ना इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल कहाँ डाल दिया जाए डी में, तो 3d5 भी स्टेबल 4s1 भी स्टेबल। तो बेटा यहां पर स्थाई करने के हेतु ये बात कर दी गई थी
कि जी में भी बेटा 9 हो रहा है तो 10 कर दिया गया, डी पूरी तरह से 10 लेके स्टेबल हो गया, और एस में 2 होना चाहिए 1 होना, दोनों ही स्थाई होते हैं इसलिए इसका 1 कर दिया गया। समझ गए मेरी बात को? चलो ये छोटा सा मजाक मैंने आपके साथ किया, आपको आना चाहिए मजाक। हाँ आ गया। चलिए अब बालक हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के विषय में। पेपर में क्वेश्चन और क्या टीचर पूछेगा? एक क्वेश्चन बेटा और पूछेगा, बाकी मैंने बेटा पेपर बनाया 11th के बच्चों के लिए, वो मैंने आपको दे दिया है, जो बच्चे ऑफलाइन में उनको मैंने दे दिया, बस उतना ही कट लेंगे, 100 में 98% जो पढ़ाएंगे बस वही आएगा, सोचने की जरूरत नहीं ज्यादा। बालक उसके बाद 6 साल का अनुभव बोल रहा है बालक, मैं नहीं बोला ये, मैंने नहीं बोला ये 6 साल का अनुभव बोल रहा है। यस सर, मैंने तो सुना आप ही बोल रहे हो, नहीं ये अनुभव बोल रहा है बालक। चलो बेटा, शिवानी तो कुछ बोलती नहीं, उनको सब आता है लगता है। चलो भाई समझते हम। ओ बेटा आप बताइए इसमें कौन स्थाई है? हम अपना मार्कर ढूंढ लेते हैं, मार्कर ये रहा मेरा मार्कर। चलिए बताओ बेटा इसमें स्थाई कौन है, जल्दी फटाफट फटाफट बताओ स्थाई कौन है, ये वाला या ये वाला? चलो पहले सर हम करते हैं Fe का 26 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या लिखोगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, 2 4 6 10, 10 2 12 6 18, 2 20 6 26, 26 का हमारा हो गया। ठीक, अब Fe2+ का क्या मतलब है? Fe2+ का मतलब है इसने 2 इलेक्ट्रॉन फेंक दिए, जब फेंक दिए तो बचे 24। अब फेंके होंगे तो या तो ये बाबा निकल गए होते, तो 2 इनसे निकलेंगे। अब आप बताओ इलेक्ट्रॉन ये निकालेगा ये निकालेगा? 2 ठोरा सर बाहर वाला निकालेगा, फेंक देंगे उठाकर नाली में। मान लो आपके पास ये है पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, चौथी सेल, 3D यहाँ पर है, 4S यहाँ पर है, तो पहले इलेक्ट्रॉन कौन हटाएगा? पहले ये निकालेगा, तो बेटा ये क्या करेगा? बाहर कर देगा। यानी कि जो बचा आपके पास, कि 2 इलेक्ट्रॉन गायब होने पर जो आपके पास बचेगा वो क्या बचेगा बेटा? ये वाला पूरा सेम सेम यही बचेगा, 4S बेटा शून्य हो जाएगा, 3D कितना बेटा? 6। अब D में बेटा क्या करिए, इलेक्ट्रॉन भर के देखिए, 3D 1 2 3 4 5 6, सर 3D में 6, ये भैया अस्थाई है। कैसा बेटा? अस्थाई। चलो एक इलेक्ट्रॉन और निकालो, 3 निकाल लो भैया, तब बेटा सिंपल सब कुछ यही रहेगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा बेटा? बेटा 3D 5, इलेक्ट्रॉन में जरूर लिखिए बेटा, यहाँ 4S 0 रहेगा, 3D 5। 3D 5 के लिए ऑर्बिटल बनाते बेटा हम लोग, जैसे लिख रहा हूँ वैसे पेपर में लिख देना, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ए मिल गया हमको। क्या मिला? ये सर पूरा आधा है, ये पूरा आधा है का मतलब भैया ये बहुत स्थाई है, समझे? देखो बेटा ये तो आदमी अकेले में स्थाई है या तो दुकेले में स्थाई है, अकेले दुकेले करोगे तो सब कट भी आ जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात को? तो बालक ई है भैया स्थाई कौन है? ये वाला। तो बेटा कहेंगे Fe3 ज्यादा स्थाई है, और इलेक्ट्रॉन ना नीचे दिखा देंगे आप, समझ गए मेरी बात को? ये क्वेश्चन के लिए एक घर के लिए आपके बेटा होमवर्क रहेगा, Cu+ और Cu++ में कौन ज्यादा स्थाई है बात आप मुझे बताइएगा। परमाणु बेटा ये आपको समझ में आ गया बेटा? अब बेटा हम आगे कल से बताते हैं आपको कुछ बातें। बेटा पेपर में आने लगा अगर वीडियो खूब सारा ये शेयर किया आप लोगों ने, तो मैं दूसरा लेक्चर भी लेकर आऊंगा, हर चैप्टर को मैं ऐसे ही समझा दूंगा बेटा, आपको मजाक में सारी चीज सॉल्व हो जाएंगी, ये हमारा दावा है। बालक सर है, कौन सर? बालक सर, बालक, ये बालक सर का वादा है, जो बताया बस वही आता है, ये बालक सर का वादा है, सुनिए बालक ये बात समझ गए बेटा। अब आगे बढ़ेंगे बेटा कि और क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है आपसे, ये बात समझ में आ रही है बेटा? अब आपसे बेटा ये पूछा जाएगा, देखिए क्वांटम पॉली नियम बता दो, आप उधर हाइड्रोजन बता दो, एक अपवाह का नियम भी लिख लो, इलेक्ट्रॉनों को उनके ऊर्जा के बढ़ते क्रम में रखने पर, इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में रखा जाना चाहिए, उन्होंने N+L रूल दिया था, N+L रूल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को सदैव उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में रखा जाना चाहिए, तो बोला ठीक है, उन्होंने N+L रूल भी दिया। और बेटा आपको याद होती है 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, 1s 1p नहीं बनेगा, 2p बनेगा, 3p बनेगा, 4p बनेगा, 5p बनेगा, 6p भी बना लो, 7p भी बनता, बस इतना रखिए आप, ज़्यादा ना सोचिए। 2d नहीं बन सकता बेटा, 3d बनेगा, 4d बनेगा, 5d भी बना दीजिए, अब फिर भी इसको बना छोड़िए, 3f नहीं बनेगा, 4f बनेगा बेटा, 5f बना लीजिए, बनने के 3df नहीं बनेगा बेटा। आप सोच रहे 1s बना, 1p कहाँ है नहीं बनता, क्वेश्चन आ गया आपके पास, क्वेश्चन आया 1s बनता है जबकि, सॉरी 1s बन, सॉरी
मान लो 1s बनता है और 1p नहीं बनता, 2s बनता है सॉरी 2p बनता है बट 2d नहीं बनता, कह रहे मतलब 2d, ये क्यों नहीं होता बेटा? देखो जब आपको एटम बताए थे ना, ये बात ध्यान दो, ये तीसरी सेल है, हमने कहा था बेटा ये है k, ये है l, ये है m, ठीक। हमने कहा था इसमें बेटा s होता है, इसमें बेटा sp2 होते हैं, इसमें क्या होता है spd होता है, पहली सेल दूसरी सेल तीसरी सेल। वन में केवल क्या होगा बेटा, एस होगा, पहली कक्षा में केवल एस ही उपस्थित है, पहली कक्षा में केवल एस उपकोष उपस्थित होने के कारण केवल वन एस बनता है, जबकि दूसरी कक्षा में क्या है बेटा एस और पी दोनों बनेगा, इसलिए बेटा इसमें क्या है बेटा एस पी, और तीसरे कक्षा में एस पी डी बनेगा, एफ नहीं बनेगा, समझ पा रहे हो? तो ये कक्षाओं के आधार पर रखा गया बेटा, ठीक है। अब अब्बाऊ ने बेटा काट पीट मचा दी, बेटा काट पीट बहुत आग लगा दी थी अब्बाऊ दादा ने, अब्बाऊ दादा नहीं थे, अब्बाऊ जर्मन शब्द था, अब वो क्या था बेटा जर्मन शब्द, जैसे हम काटे वैसे काट देना बेटा, बाकी इनका जुगाड़ सिटी नहीं कर पाए, चलो इनको हटा दो, इतना रखो तुम लोग, जितना बनाना तो बना सकते हो बेटा, सेवन एस आ गया है, एट एस चले जाओ, फिर यहाँ सेवन पी सेवन डी, बस इतना आप सीखने के लिए, ऐसे चलेंगे झुकुपो ऐसे चलेंगे, छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है, झकपो 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 चलते आइए बेटा, पहले क्या भरा 1s भरा, फिर क्या भरेंगे 2s भरेंगे, फिर 2p भरेंगे, 3s भरेंगे, 3p भरेंगे, 4s भरेंगे, 3d भरेंगे, 4p भरेंगे, 4s भरेंगे, डना डन 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 डा, कर लीजिए आप, समझ में आ गया अब्बाऊ का नियम। तो परमाणु संरचना से ये बात भी समझ गए आप, एक बात और समझा दूँ जो बता रहा हूँ बेटा, इसे नोट जरूर कर लो, क्योंकि बालक ये सारी बातें आपके एग्जाम में पूछी जाने वाली हैं। अब बालक अभी इसके बाद संकरण वंकरण, दूसरा लेक्चर आपका संकरण पंकरण लेकर आऊंगा, दो लेक्चर तीन लेक्चर बेटा आप सब पास हो जाओगे इलेवंथ वालों, ये बालक सर का लेक्चर है कुछ ऐसा होगा कि तुम लोग तीन ही लेक्चर में सब पास हो जाओगे, मुझे इतना भरोसा है, चाहे जितना पेपर टफ बना ले टीचर, अभी हमारा लाइव क्लास तुम्हारा टाइम नहीं, जिस दिन तुम लोग कह दोगे 10 लोग की लाइव क्लास लीजिए सर, लाइव 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 लिख के दो जितने लोग, मैं उसी दिन तुम्हारी क्लास ले लूंगा, सबको टाइम बता दूंगा, लेकिन कोई कहता ही नहीं है तो मैं चुप रहता हूँ, क्या है मतलब लाइव क्लास का आनंद अलग होता है, रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड लाइव का मतलब लाइव, रोज इंटरवल में लाइव होती है 10 बजे आप फिर होगी उनकी लाइव, लाइव क्लास का अंजाज अलग होता है। तो भैया बालक सर का फंडा, बच्चा चाहे जैसा हो आएगा, नहीं या खाएगा अंडा, और रहे हो तो बालक। अब हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, समस्थानिक संभारिक, पेपर कहीं आ गया, समस्थानिक बेटा, समस्थानिक व संभारिक, वह बेटा समभारिक, ये समस्थानिक और संभारिक क्या होता है बेटा, वे परमाणु जिनके मतलब जिनमें प्रोटॉन संख्या क्या होती है समान होती है, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं समस्थानिक कहते हैं, सॉरी, और जिनमें जिनका परमाणु भार समान होता है वे सभी परमाणु को हम संभारिक कहते हैं, मतलब जिनका परमाणु समान, परमाणु क्रमांक समान, परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है उन्हें समस्थानिक कहा जाता है, समस्थानिक नीचे के स्थान सेम है मतलब, और वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न परंतु उनका परमाणु भार समान होता है तो बेटा उन्हें क्या कहते हैं संभारिक कहते हैं। समस्थानिक एग्जाम्पल बहुत ही प्यारा सा हाइड्रोजन वाला है, ये तीन याद कर लो, ये पेपर में आपके हाइड्रोजन वाले चैप्टर में बताऊंगा मैं, इसका नाम प्रोटियम, इसका नाम ड्यूटीरियम, इसका नाम ट्राइटियम, प्रोटियम ड्यूटीरियम ट्राइटियम, इस भैया जल वाले में सब जल में सबसे ज्यादा यही वाला पाया जाता है, ड्यूटीरियम इसे भारी जल बनता है, D2O बेटा बनता है, क्या बनता है D2O, इसे बम बनेगा, हाइड्रोजन बम जो बनता है बम इससे बनता है न्यूक्लियर रिएक्टर, भैया बहुत खतरनाक होता है हाइड्रोजन बम, दुनिया का सबसे खतरनाक बम होता है। तो बेटा ये सारी सिचुएशन इसकी हो गई, तो बेटा ये समस्थानिक और संभारिक का केस समझ में आ गया बेटा। अगर पेपर में बहुत सिंपल टीचर ने दिया है तो कुछ भार निकालने की बात आएगी, मानो टीचर कहेगा चलो भैया Na2CO3 का अणुभार ज्ञात करो, पेपर में कह देगा बेटा K2CO3 का बेटा क्या करो अणुभार ज्ञात करो, इस तरह से संभारिक एग्जाम्पल दिए नहीं हम, जरा जल्दबाजी में हो जाता है बेटा, संभारिक क्या रखें बेटा, मान लो आर्गन, आर्गन आर्गन 18, आर्गन पोटेशियम 19, इसके बाद बेटा कैल्शियम 20, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न, परमाणु भार सबका 40 40, ये समस्थानिक है, समस्थानिक बेटा यही तो मेंडलीव दादा नहीं बता पाए समस्थानिक को रखे कहाँ थे, ये मोसले बता दिए थे, मोसले आवर्धनीय आ गई थी हमारे पास, ये बेटा संभारिक एग्जाम्पल, ये समस्थानिक के उदाहरण है, ठीक है बेटा। इनके अणुभार निकालना क्या आपको आते होंगे, इनका दोनों को बताइए, अगर आपको नहीं आता तो वो लेक्चर में समझा दूंगा मैं, अगर आता तो कोई बात नहीं, सारे टाइम की वेस्ट करूँ, आपको ये आपको आना चाहिए, ठीक है बालक, ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कोई डाउट है इसमें, कोई समस्थानिक समारिक। ओ बेटा एक चीज़ और बची हमारी, सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है बेटा,
क्या बेटा? सम न्यूट्रॉनिक, एक शब्द और बाकी रह गया, सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है बेटा? बेटा वे सभी परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें हम सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। ठीक है बेटा, सम न्यूट्रॉनिक। जैसे बेटा मैं लिखता हूँ सिलिकन लिखता बेटा, सिलिकन, सिलिकन का होता 14, यहाँ पर लिखो बेटा 30, हाँ बेटा उसके बाद सिलिकन, फास्फोरस, फास्फोरस का बेटा कितना होता है 31 बेटा, फास्फोरस कितना होता बेटा 31, 15, सल्फर का होता बेटा 32, 16, 32। ठीक है बेटा, ये रहेगा आपके पास। अब बालक ये प्रोटॉन होते हैं, क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं, ये प्रोटॉन होते हैं, ये प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन की संख्या परमाणु भार से घटा दो जो आएगा वो न्यूट्रॉन। प्रोटॉन परमाणु भार से जब घटाया जाता है तो न्यूट्रॉन मिलता है, समझ रहे मेरी बात? तो यहाँ कितना बचेगा? 16 न्यूट्रॉन आएंगे बेटा। यहाँ पर भी कितना न्यूट्रॉन आएगा? 15, इसमें भी 16 न्यूट्रॉन आएंगे बेटा। यहाँ 14 टन, यहाँ भी 16 न्यूट्रॉन आएंगे। तो बेटा इन्हें बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक, फर्स्ट सिलिकन, फास्फोरस, सल्फर। ओके, अब बेटा एक क्वेश्चन और आएगा, बस उसको छोड़ते हैं, उसके बाद लेक्चर को कंप्लीट करते हैं हम पूरा। अब बालक आ जाएगा, क्या बताने लो यार, मैं दिमाग से गाना गाने के चक्कर में मैं भूल गया तुमको क्या बता, बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा था मैं तुम लोग को, क्या बताने जा रहा था देखो, हाँ क्या बताने जा रहा था मैं, क्या बताने जा रहा था, हाँ सम इलेक्ट्रॉनिक बेटा। क्या बेटा? सम इलेक्ट्रॉनिक, बालक से जो सबई सीखो, सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिन परमाणु में समान होती है, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? लगभग समान होती है बेटा, उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। देखिए कैसे बेटा, जैसे मैंने कहा बेटा ये नाइट्रोजन है, या 3 माइनस है बेटा, आपके पास सोडियम है 1 प्लस है, मैग्नीशियम बेटा 2 प्लस है। आपको पता है नाइट्रोजन का परमाणु क्रम कितना होता है? 7। सोडियम का कितना होता है बेटा? 11। और बेटा इसका कितना होता है? मैग्नीशियम कितना होता है बेटा? परमाणु क्रम 12 होता है, इतनी बात तुमको पता है। अब नाइट्रोजन में 3 नेगेटिव आने का मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर आता है नेगेटिव, तो बालक इसने 3 ले लिया, टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। सोडियम दादा के पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, उन्होंने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, ले जाओ, जो दानी होता है तो उसकी बात अलग है। यहाँ कितना बचा बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन बचा। मैग्नीशियम दादा 12 थे, 12 ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, भैया कितना बचा? 10 इलेक्ट्रॉन बचा बेटा आपके पास। तो बालक यहाँ पर सबके संख्या क्या है इलेक्ट्रॉनों की? समान है, इसीलिए बोलेंगे ये सभी क्या है? सम इलेक्ट्रॉनिक है। क्या बेटा? सम इलेक्ट्रॉनिक। इसी तरह पेपर का क्वेश्चन बन के आएगा बेटा, जब प्लस बने तो इलेक्ट्रॉन छोड़ा गया है, और जब नेगेटिव बने तो इलेक्ट्रॉन लिया गया है। जैसे मैं बेटा कहूँ आर्गन और क्लोरीन, क्लोरीन 17 होता है या 18 होता है, और इसमें मैंने एक माइनस लगा दिया, अब ये सम इलेक्ट्रॉनिक हो गए। क्यों? क्लोरीन के 17 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन नेगेटिव दिखाने के चक्कर में इसने क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन 18 हो गए इसके अंदर। एक नेगेटिव बढ़ता है तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बढ़ जाता है। होप कि आपको सम इलेक्ट्रॉनिक भी समझ में आया हो। दिख रहा है बेटा आपको साफ साफ? दिख तो रहा है, प्रयास तो पूरा है कि आपको साफ साफ दिख जाए। तो बालक ये बताइए कितने लोगों के पास समझ में, एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया सर? कह दो हाँ सर, बहुत समझ में आया बेटा। कमेंट करें बिना मत जाना, शेयर जरूर करना। इस लेक्चर में हिंदी मीडियम वालों को बहुत कुछ मिल गया है, इसमें ऐसा कुछ नहीं मैंने छोड़ा जो आपको पेपर में आता हो आप ना कर पाए। मैंने बताया किस तरह से क्वेश्चन भी बनेगा ना, आप समझ में आना चाहिए। आप कुछ नई बातें बताता हूँ बेटा, अब आप समझेंगे कि और कुछ बेटा। एक मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर बेटा आपका पहले वाला है, उसमें क्या पूछा जाएगा जो बता रहा हूँ, बट हिंदी मीडियम वाले वही याद कर ले। मोल कॉन्सेप्ट पहले चैप्टर में क्या पढ़ना बेटा? पेपर में आएगा 1.7 ग्राम अमोनिया में परमाणुओं, जो बोल रहा हूं वही क्वेश्चन आएगा, बालक चक को बात धोखा ना समझना। 1.7 ग्राम अमोनिया में परमाणुओं की संख्या बताइए। क्या बताइए? परमाणुओं की संख्या बताइए, ये क्वेश्चन आएगा आपका 2 नंबर में। अब आपको करना है, क्या ही करेंगे सर? देखिए बालक, यहाँ पर एक पहले परमाणु संख्या निकाली, जब भी बात करें पहले मोल आना चाहिए। मोल क्या होता है सर? मोल बराबर होता है भार, दिया गया भार मतलब। और बेटा एक समझिए अणुभार, अणुभार भाई देखिए, भार बटे अणुभार। अब भार बटे अणुभार करना इतना समझिए, सीधी सीधी भाषा में आपको बता रहा हूं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में बता रहा हूं आपको। भार कितना बेटा? 1.7 ग्राम। अणुभार किसका सर? अमोनिया का। अमोनिया का सूत्र क्या होता है बेटा? NH3 होता है, NH3। अब N का बेटा कितना होता है? N का होता है 14 है। एक हाइड्रोजन का एक होता है, 3 का कितना बेटा? 3। टोटल अमोनिया कितना अणुभार हो गया बेटा? 17। यहाँ उसे भी रख दो, ये पॉइंट हटाओ तो नीचे कितना बढ़ जाएगा? 10 बढ़ जाएगा। तो बेटा तुम्हारे पास 17 बटे कितना आ गया? 17 गुणे कितना बेटा? 10। 17 से 17 कैंसिल बटा 1 बटे 10। मोल कितने आ गए बेटा आपके पास?
एक बटे दस आ गए, या आप कह सकते हो बेटा 0.1 मोल आ गया, है ना, दोनों बातें कह सकते हो, आ गए मोल। मोल निकालने के बाद क्या निकालेंगे बेटा, हमें क्या निकालना है, परमाणुओं की संख्या निकालनी है। इतना देखो परमाणु संख्या कैसे निकालते हैं बेटा, परमाणुओं की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बराबर होता है बेटा मोल गुणे 6.023 × 10³23। ठीक, कभी कभी 22 लिख देते हैं, जैसा आपका मन करे 22 लिख लेना। तो बेटा अब मोल कितने बेटा आपके, 1/10 है, ये बेटा सीधे फॉर्मूले में है, 23 जीरो है आपका, एक जीरो इनके एक जीरो काट देगा, क्या बचेगा, एक बचेगा और कुछ नहीं बचेगा, एक से गुणा करो कुछ नहीं आएगा, तो 6.023 × 10³ कितना बेटा 22, यानी अमोनिया के 1.7 ग्राम में परमाणु संख्या कितनी है, इतनी है। आपको निकालना आ गया, निकालना आ गया बेटा, नोट करें खट से इसको पूरा, आपको मोल निकालना सिखा दिया मैंने आपको बालक सर की कक्षा, मतलब सब कुछ अच्छा शेयर करिए बच्चा, ने तुम लोग को उठा के फेंक देंगे नाली में, तैरते रहेंगे शिवानी बेटा, आपको समझ में नहीं आता, समझ ऐसा मिटाते बड़ी जल्दी है, आप जल्दी करिए, लिख लिए बेटा, लिख दिया खड़ा कर लिखिए, ये लिखा दिया। अब एक क्वेश्चन दे देता हूँ तुमको, है एक क्वेश्चन देता हूँ, देखिए कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे आप लोग, लिखिए 1.6 ग्राम, दोनों में से कोई एक आएगा, मेथेन, मेथेन में परमाणुओं परमाणुओं की संख्या बताइए, ये क्वेश्चन बेटा आपके पास आ गया, 1.6 ग्राम मेथेन में परमाणु की संख्या क्या बताना है आपको, कैसे बताएंगे बेटा, जल्दी बताएं बेटा, जरा सा इस वाले क्वेश्चन जल्दी बताएं बेटा, जल्दी फास्ट फास्ट, ये कौन करेगा, सबको बताना है बेटा परमाणु संख्या, बेटा हो गया कर लिया, देखो मैं ही समझाता हूं तुम लोग को बेटा, सबसे पहले क्या है मोल निकालेंगे, क्या निकालेंगे मोल, क्या है बेटा भार बटे अणु भार, ठीक बेटा, भार कितना है 1.6 ग्राम, अणु भार मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है CH4, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन एक का एक, चार के चार हो जाएंगे यानी 16 लिख देंगे, पॉइंट टाइम क्या बढ़ेगा 10 बढ़ेगा, अगर 16 फिर क्या हो जाएगा कैंसिल, 1/10, मोल कितने आ गए बेटा, सेम सेम उसी तरह हो जाएगा मोनीटर, बाकी मोल इतने उसके आए थे, समझ गए, समझ गए, अगर टीचर यहाँ पे मतलब हमारे सोल हमने 1.6 बोला, टीचर ने क्या बोल दिया बेटा आपसे, बोल दिया 3.2, क्या बोल दिया बेटा 3.2, अगर टीचर ने बोल दिया 3.2 ग्राम, तो बेटा 32 कट जाएगा, ऐसा देगा कि आप कट जाएगा, ठीक, कभी कभी 4.2, ये बताइए क्वेश्चन करिएगा बेटा, 4.4 CO2 में बेटा परमाणु संख्या बताइएगा बेटा आप लोग, है ना, 5.85 NaCl में मोल परमाणु संख्या बताइएगा बेटा, ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत जरूरी है, ये क्वेश्चन भी आप पूरा करेंगे, समझ मेरी बात को क्रिस्टल, ये क्वेश्चन भी आप पूरा करेंगे, आप समझाएंगे हमें कैसे किया गया है, समझा कैसे पाएंगे, आपको तो निकालना पड़ेगा, समझ रहे मेरी बात, मैंने आपको एक लेक्चर में इतनी सारी बातें बताई हैं कि आप सोच भी नहीं सकते थे, मैं कहते ना प्रॉफिटेबल लेक्चर होगा बेटा, आप प्लीज़ इसे शेयर कर दें, मेरा कहना मान लें, तभी मैं दूसरा लेक्चर लाऊँ, 3 लेक्चर मैंने क्या कहा आपको, 3 लेक्चर में केमिस्ट्री पेपर में पास करा दूंगा, ये मेरा टैलेंट है बालक सर का, और मैं 3 लेक्चर में आपको केमिस्ट्री में पास करा दूंगा, हिंदी मीडियम वाले सबसे बच्चे हो सके एक बार जरूर देख ले इसको, सभी ये 3 लेक्चर में 3 पार्ट में ये सब पास करेंगे केमिस्ट्री में, ये टैलेंट होता है। चलिए बेटा नोट करिए बेटा क्वेश्चन को, तो बेटा आप कर पा रहे हैं, कोई भूल वो चूक गलती से हुआ तो ध्यान देना बेटा, बाकी मैं प्रयास कर रहा हूँ गलती ना हो उससे, अब इंसानी हूँ कभी कभी गलती हो जाती है, मैंने देखा कुछ लेक्चर्स में मेरी खुद की मिस्टेक मुझे खुद दिखती है, बेटा ये आपको समझ में आ गया है। और बेटा एक बात ध्यान रखिए, आप थोड़ी सी बातें बता दें तुम लोग को, देखिए बालक आप 11th में, आपको ये लगता है 11th बड़ी आसानी से निकल जाएगा, बिना कोचिंग करे कर ले बेटा, देखिए बेटा मैं ये नहीं कहता स्कूल में पढ़ा नहीं जाता, लेकिन अगर आपको बेटा पूरा सिलेबस नहीं कवर किया आपने, तो आगे चल के आपको बहुत सारे दुख दर्द मिलने वाले हैं, समझ जाइए, मैं 6 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, बहुत बच्चे मिलने आते हैं, मैंने 600 बच्चों को पढ़ाया बेटा, तो हर बार कॉलेज टॉपर देना मेरा फितरत में रहा है, हर बार कॉलेज टॉपर रहता है बालक हमारे हमसे, हाँ एक मतलब जहाँ MS कोचिंग क्लास में पढ़ाते हैं दुगावा में चलती है जो, तो भैया आप चाहते हैं कि हर बच्चा टॉप करे, बढ़िया मेहनत करे बेटा, यूपी बोर्ड की ज़िंदगी में संघर्ष बहुत ज़्यादा है, यूपी बोर्ड के बच्चे जितने भी हैं बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है उनको, पहली बात तो भाषा से लड़ाई उनकी सबसे ज़्यादा भयंकर हो जाती है, क्योंकि आगे चल के सब इंग्लिश लैंग्वेज में आ जाते हैं, यूपी बोर्ड वाला बेचारा हिंदी रहता है, तो बेटा ऐसा नहीं आप बेचारे हो जाओ, बेचारे बनने का प्रयास ही मत करो, आप ऐसी मेहनत करोगे दिख जाएगा हाँ यूपी बोर्ड में इतना दम है, अब भैया प्रयास नहीं करोगे तो भैया सतर्क कुछ आगे नहीं बढ़ पाओगे, मेहनत बहुत ज़्यादा जरूरी है, बिना मेहनत के कोई कुछ नहीं बढ़ता, लोग हमसे ये कहते हैं भाई साहब तेरे को नींद नहीं आती है,
हमने कहा सपने इतने बड़े हैं कि नींद लेकर नहीं देख सकता, उनको पूरा नहीं कर सकता, नींद में भी पूरे नहीं होंगे मेरे बेटा, मैं स्लीप ज़्यादा नहीं लेता, मतलब कि 4-12 बजे 4-1 बजे कभी पढ़ाता रहता, मेरा 21 लेक्चर फिजिक केमिस्ट्री के रेगुलर लेता हूँ मैं, समझ रहे मेरी बात को? तो बालक ये नहीं कह सकता कि थकता नहीं हूँ, रुकता नहीं हूँ, सारी बातें बेटा ये सब चलता रहता है। बिना संघर्ष के कोई किसी को पहचानता नहीं है, आप अपनी मेहनत पर चमकोगे किसी के में, आपके पास पैसा इतना ज़्यादा नहीं है बोर्ड तो समझ लीजिए, आप लोग आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आपके पापा मम्मी आपको बहुत ज़्यादा हायर क्लास हाई लेवल क्लास पढ़ा सकेंगे, मैं जानता हूँ मैं एमएससी कैसे कर रहा हूँ। तो बालक सिचुएशन ऐसी है, पैसे खर्चा, अब बालक हम चाहते तो हैं कि भैया हमको कहीं जगह मिले तो मैं 300 रुपये में सब सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा ऑफलाइन बैच में, मुझे भगवान के पास बेटा मैंने IAS की तैयारी की है, बस यह होता है किसी कारण उसमें नहीं निकल पाया, अभी प्रयास कब जारी होगा इसके बारे में कभी तुम लोग सामने शायद मैं बन के आ पाऊँ, ऐसा प्रयास रहेगा मेरा। तो बालक सिचुएशन ये है कि मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ आता है प्रॉपर मैथ लेवल में, मैं एक्सेलेंसी किसी में नहीं, एक्सेलेंसी केवल केमिस्ट्री में है, बाकी पढ़ा मैं आपको समझ सकता हूँ, इंटरेस्ट अपना अपना होता बच्चे का, किस टीचर से किसी को समझ में आ जाए, हमारा नाम है बालक सर, आसान है तुमको आता नहीं, तुमको अगर नहीं आया तो बालक सर नाले में फेंकते हैं सबको, बता दो भैया इनको कमेंट बॉक्स में किसको उसको नाले में फेंकते हैं हम, यस नाले में फेंकते हैं, बता दे शिवानी बेटा, बता दे इनको अंजलि, बता दे अंजलि, इनको तो लर्न होता, अंजलि को लर्न होता सब कुछ, सुप्रिया तो हंसती रहती जब देखो तो उनको सब आ ही जाता है, नंदिनी की बातें खतरनाक। तो बालक ये लेक्चर जो था आप लोग को बताने का मतलब पर्पस था, बच्चे कह रहे थे सर आप हिंदी मीडियम के 11th का लेक्चर नहीं डाल रहे केमिस्ट्री का, मैंने बनाया प्रयास किया कि चैप्टर बेटा होता क्या, इतना सारा पढ़ना पड़ता है, इतना ज़्यादा दिमाग में रखना पड़ता है कि कब किस बच्चे को क्या पढ़ा दूँ मैं, कुछ भी छूट सकता है ना, तो प्रयास मेरा पूरा ये रहता है कि हर बच्चे को सब कुछ क्लैरिटी से भी आ जाए। और यूपी बोर्ड के बच्चा अपना अपनी ज़िंदगी समझता हूँ, मतलब कि यूपी बोर्ड वाले बच्चे ही मेरे जैसे ही हैं, प्रयास करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, आगे काहे चिंता करते हो बालक सर, है ना, आगे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब लोग जुड़े रहना हमसे, बस आगे दुनिया तो हम देखेंगे बेटा, संघर्ष जिंदगी का नाम है, डोंट वरी अबाउट दैट, आप हर दिन टास्क मिलिए बेटा, लड़िए झगड़िए चलते रहिए, सोचिए मत, यूपी बोर्ड का बच्चा इतिहास रचता है। चलिए बेटा मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, बालक सर को बहुत अधिक शेयर करें, आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, बस चुटकुला सुनाए नहीं ना नेक्स्ट वीडियो में।